हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय चैनल। चैनल का नाम बताइए क्या है? कोड प्रो कैरियर। ये ब्लैक में क्यों आ रहा है? इसको मुझे रेड में चाहिए। मेरा नाम है देवाशीष कुमार। धीरे धीरे मेरे हैंडराइटिंग अच्छी हो रही है, अच्छी बात है, प्रैक्टिस की वजह से। कोड प्रो कैरियर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है देवाशीष कुमार और आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ाई करने वाले शॉर्टकट कीज। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ाई किया था एमएस ऑफिस के बारे में। एमएस ऑफिस में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग न्यू पेज बना रहे हैं, कैसे उसे कॉपी कर रहे हैं, उसके सेव कर रहे हैं या फिर पेस्ट कर रहे हैं। कई सारे जगह पे हम लोगों ने उसके डिजाइन्स भी चेंज किए, जैसे कि अलाइनमेंट हम लोगों ने चेंज किए, हम लोगों ने कई सारे इंसर्ट्स किए। उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी हम लोग कितने सारे स्लाइड्स हम लोगों ने बनाए। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑप्शन में देखा कि ऑप्शन में जाकर के कैसे हम लोग कर सकते हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये सारी चीजें हम लोग शॉर्टकट यूज करके कैसे कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप लोग को पता होगा कि कोई भी न्यू पेज अगर आप खोलना चाहते हैं तो कंट्रोल वाला बटन प्लस एन को प्रेस करने से कंट्रोल न्यू हो जाता है। अगर सेव करना है कोई भी फाइल को तो कंट्रोल प्लस एस दबाने से सेव हो जाता है। वैसे अगर कॉपी करना है कोई भी डॉक्यूमेंट को या फिर कोई भी चीज को, टेक्स्ट को भी अगर कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है। लेकिन हमने ये भी देखा कि अगर कोई चीज को पेस्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल पी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नहीं, कंट्रोल पी का हम लोग इस्तेमाल कब करते हैं मैं बताता हूँ। कंट्रोल अगर पी का अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? पी का इस्तेमाल हम लोग प्रिंट में करते हैं। तो पेस्ट के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? हम लोग पेस्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल भी। तो ये सारी चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए, इसलिए हमने लाया है शॉर्टकट कीज के लिए एक सेपरेट लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग सारे के सारे शॉर्टकट कीज देखेंगे, ठीक है? आप लोग को शॉर्टकट कीज को याद कर लेना है, मतलब रट्टा ही मारना लिटरली। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। ये मैंने एक डॉक्यूमेंट आपके लिए प्रिपेयर की हुई है, ये आपके डॉक्यूमेंट है, ठीक है? इसमें सारे के सारे आपके शॉर्टकट कीज दिए हुए हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले तो आईबीपीएस एग्जाम्स का इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की नोट्स है यहाँ पे। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है कोड प्रो करियर। प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत मेहनत लगती है, गले सूख जाते हैं वीडियो बनाते बनाते। इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, एक एक चीज करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो नीचे में कमेंट कर दीजिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो वीडियो को शेयर कीजिए ना अपने दोस्तों को। आप लोग शेयर ही नहीं कर रहे हैं, व्यूज ही नहीं जा रहे, व्यूज लेके आइए थोड़ा प्लीज। बहुत मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ठीक है? तो शॉर्टकट कीज हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले कंट्रोल सी हम लोग कॉपी के लिए यूज करते हैं, कट के लिए हम लोग कंट्रोल एक्स का यूज करते हैं। कट का मतलब क्या हुआ? सपोज कि अगर मुझे ये यहाँ से कट करना है, मुझे ये कैरियर यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे कैरियर ऊपर में चाहिए, अपना कैरियर ऊपर चाहिए हमको, तो इसको हम लोग कट करेंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल भी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? तो इस टाइप से हम लोग शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करते हैं। अंडू रीडू, अंडू का मतलब होता है जो अभी अभी मैंने काम किया। जैसे देखिए कंट्रोल जेड मैं कर रहा हूँ ना, तो अभी मैंने ये जो लाइन खींची हुई है ये मिट रहा है ना, ये मिट रहा है, तो ये अंडू हो रहा है, मेरी गलतियों को मिटा रहा है। और उसके ठीक नीचे है रीडू, कंट्रोल वाई, मैं अभी कंट्रोल वाई प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए ये ऑटोमेटिकली जो मैंने लिखा हुआ था वो सारी चीजें नीचे आ रही है, ठीक है? अब देखे ये भी मिट चुका था, ये भी आ गया। कंट्रोल ए करने से सेलेक्ट ऑल हो जाता है, सारी चीजें सेलेक्ट हो जाती है। सेव के लिए कंट्रोल एस, प्रिंट के लिए कंट्रोल पी। ओके, अल्ट टैब, अभी मैंने जो एप्स खोला हुआ था, अगर मैं यहाँ पे अल्ट और टैब को प्रेस करता हूँ, देखिए क्या होता है। मैंने अभी जो खोल कर रखा था वो ये आ गया, ठीक है? और फिर से मैं अल्ट टैब को प्रेस करता हूँ तो मेरा ये वाला पेज खुल गया। तो अल्ट टैब को यूज करके हम लोग जो अभी लास्ट में काम कर रहे थे उस पर हम लोग स्विच कर जाते हैं, ठीक है? उसके बाद अल्ट F4, F4 अल्ट के साथ प्रेस करने पे जो मैं अभी ये खोल के रखा हूँ ना, ये बंद हो जाएगा, तो मैं अभी नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? विंडोज की के साथ डी को यूज करके आप डेस्कटॉप को शो कर सकते हैं, वैसे एल के लिए लॉक कर सकते हैं स्क्रीन को, ई के लिए हम लोग फाइल एक्सप्लोरर खोल सकते हैं। ये सब याद रखिएगा, विंडोज की प्लस आर को प्रेस करने पर रन डायलॉग बॉक्स आ जाता है, जैसे मैं ये एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ठीक है?
इसको मैं पहले दिखा देता हूँ, विंडोज की और ई दाबने पे, जैसे विंडोज की और ई हमने दाबा तो ये आ गया आपका, एक पेज खुल गया, ठीक है। इससे मैं यहाँ पर क्रॉस कर देता हूँ। विंडोज प्लस आर से रन डायलॉग बॉक्स आता है, जैसे विंडोज और आर मैंने अभी प्रेस किया तो ये देखिए मैंने नीचे में क्या खुल गया, ये है रन, इस पे आप जो लिखिएगा वो आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका आई के लिए सेटिंग, ठीक है, अगर आप विंडोज की और आई प्रेस करते हैं तो सेटिंग खुल जाएगा, और इसी तरह के बहुत सारे शॉर्टकट कीज मैंने आपके लिए लिखी हुई है, ये समझने में बहुत आसान है और बहुत लंबा है ये, खास करके तो रटने वाली चीज है। मैंने टोटल 100 आपको शॉर्टकट कीज बताए हुए हैं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, नीचे में ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में समझाने वाली बातें कम है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, रट्टे मारने पड़ेंगे, और रट्टे अगर ना मारे आप तो यूज करते करते आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है, रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप लोग इसको अभी प्रैक्टिकली तो आप लोग बहुत कम यूज कीजिएगा, अगर आप लोगों ने यूज किया हुआ तो बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम चीज जो सिंपल चीजें हैं जैसे बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, ये सब चीजें जो है ये सब तो आप लोगों ने यूज किया ही होगा ऑलरेडी, अगर आप लोग कंप्यूटर यूज करते हैं तो। कंट्रोल एन से न्यू वर्क बुक, ओपन वर्क बुक हो जाता है, ठीक है, क्लोज होता है, प्रिंट प्रीव्यू, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, ये सारी चीजें। तो मैं ये डॉक्यूमेंट जो है ये पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करें और इसको आप लिख के रख लें अपने नोट्स में, इसको एक बार खुद से लिखे, देख के याद करके, और फिर आप बिना देखे इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसमें मैं क्वेश्चंस भी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस क्या ही देने हैं आपको, बस याद करना है, क्वेश्चंस आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। इस वीडियो में सिंपल आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन में जाना है और ये पीडीएफ को डाउनलोड करना है, पढ़ना है, ठीक है। और अगर आपका वीडियो, अगर आपका पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो मैं एक बार इसका ना स्लाइड शो आपको दे देता हूँ, ठीक है। इसका स्लाइड शो जो है इस वीडियो के एंड में अभी आ जाएगा, स्लाइड शो आप लोग देख सकेंगे और आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं करना चाहे तो, ठीक है। तो दैट्स इट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़ाई करने वाले इंटरनेट के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने बहुत अच्छे से पीडीएफ बनाई हुई है, बहुत अच्छे से आप लोग को बताऊंगा भी, एक्सप्लेन करूंगा हर एक छोटी मोटी चीजों, तो आपको बहुत मजा आएगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और कमेंट कीजिए कुछ भी आपको टॉपिक्स में अगर डाउट है तो, किसी और का शॉर्टकट की अगर आपको नहीं पता तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेटवर्क के बारे में पढ़ाई करेंगे हम लोग, बहुत सारा चर्चा करेंगे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।